नमस्कार, आप देख रहे हैं डीबी लाइव। नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पर। पूर्व सैनिक की खुदकुशी पर सियासत तेज। 24 घंटे में कल तीसरी बार हिरासत में लिए गए राहुल गांधी। सरकार को घेरने के लिए आज पूरे पंजाब में प्रदर्शन करेगी कांग्रेस। कैप्टन अमरिंदर सिंह की अगुवाई में प्रतिनिधिमंडल राज्यपाल से करेगा मुलाकात। मध्य प्रदेश सरकार ने दिए जेल से भागे सिमी कैदियों के एनकाउंटर के न्यायिक जांच के आदेश। हाईकोर्ट के पूर्व जज एसके पांडे की अगुवाई में होगी जांच। मुंबई के गोवांडी इलाके में लगी भीषण आग से लाखों का नुकसान। आग लगने से 10 दुकानें जलकर खाक। एक गैराज में खड़े कई ऑटो भी आग की चपेट में आए। दिल्ली में जहरीली हवा पर दिल्ली सरकार से जवाब तलब। आज एनजीटी को एक्शन प्लान बताएगी सरकार। ऑस्ट्रेलिया में जिंदा जलाए गए भारतीय युवक मनमीत अलीशर का शव दिल्ली पहुंचा। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने दी श्रद्धांजलि। पंजाब के पैतृक गांव में आज होगा अंतिम संस्कार। ब्रिस्बेन में एक सिरफिरे ने बस में लगाई थी आग। खतरे में भारत इंग्लैंड सीरीज। लोढ़ा समिति की ओर से भुगतान न किए जाने पर बीसीसीआई ने इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड को पैसा देने से खड़े किए हाथ। और देश भर में आज से छठ पूजा की शुरुआत। नहाए खाए से शुरू होगा 3 दिन तक चलने वाला महापर्व। प्रशासन ने किए सुरक्षा के कड़े इंतजाम। तो ये थी इस वक्त की बड़ी खबरें। देखते रहिए डीबी लाइव, क्योंकि यहाँ है खबरें लगातार।